गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। नाज़रीन, एक नया दिन, एक नई उमंग। आई एम बैक विद द बिग बैंग डॉक्टर जैजी। और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान हमें सुनता है, देखता है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश लग रहा हूँ। एक तो मेरी गर्मा गर्म चाय मेरे साथ होती ही है रोज, पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। हम लोग चाय पीते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन आज कुछ और भी मैं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। नाज़रीन, आज पहली बार हम करने जा रहे हैं एक हमारी बहुत मशहूर पाकिस्तान की मॉडलिंग एजेंसी है उनके अलायंस के साथ हमारे चैनल पे, हमारे शो पे मॉडल्स का ऑडिशन हंट। अब ये मॉडल्स का ऑडिशन हंट क्या है, हम जानते हैं लड़के लड़कियां ख्वाब बुनते हैं कुछ कर दिखाने की, कि हमने ये बनना है, हमारी होर्डिंग्स लगे, हम एड्स में आए, और उनको इस सफ़र में मंजिल नज़र नहीं आती है। लेकिन स्किजिया मॉडलिंग एंड टैलेंट एजेंसी ने ये बेड़ा उठाया है कि वो ट्रू टैलेंट को सामने लेकर आते हैं। एक ऐसी एजेंसी है जो एकदम से आई और छा गई है। पहले भी ये दो ज़बरदस्त शोज करवा चुके हैं लाहौर में, और अब ये एम्स लेके आए हैं, अपना थर्ड शो करने जा रहे हैं बहुत जल्द लाहौर के एक मेगा वेन्यू पे। स्किजिया नाम है टैलेंट का, स्किजिया नाम है ट्रस्ट का, स्किजिया नाम है सही जेन्युइन लोगों को सामने लाने का। तो हमने कहा कि ये मौका बहुत अच्छा है, स्किजिया के साथ हमने अलायंस किया और हमारे चैनल ने ये अनाउंस किया कि आइए, आपके लिए फोरम खुला है, हमारा मॉर्निंग शो ओपन है, आप लोग यहाँ पर आइए, ऑडिशन दीजिए, और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप वाकई मॉडल दिखते हैं, बनना चाहते हैं, आपकी आंखों में वो ख्वाब सजे हैं, कहते हैं ख्वाब अधूरे सही पर ख्वाब सहारे तो हैं, तो हम आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे। और कौन करेगा? स्किजिया टैलेंट एजेंसी, क्योंकि जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यूज लेकर आए हैं। स्किजिया के रोहे रवां यहाँ मौजूद हैं, एक ऐसे दोस्त, एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ पे क्या करवाऊँ। ही इज़ अ ट्रू हार्ड वर्कर, कमाल काम कर रहे हैं, और इन्होंने स्किजिया को सही मानों में एक लेवल पे ले जाकर बिठा दिया है। एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड, ट्रूली प्राउड ऑफ हिम एक्चुअली। तो सरदार इमरान खान नियाज़ी, अब कौन नहीं जानता उनको, कमाल काम रखते हैं, कमाल फन रखते हैं, और रूहे रवा हैं, सब कुछ है स्किजिया के। आइए उनको इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसी फीलिंग्स है आज पहली बार हमारे शो पे स्किजिया का मॉडल हंट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अच्छे लग रहे हैं आप, फ्रेश फ्रेश, लेकिन आज की बहुत मजे की वाइब्स आ रही है, क्या कहते हैं इमरान आप? मुझे बहुत मजा आ रहा है, और स्पेशली आप लोगों का प्यार देख के और आप लोगों की मैनेजमेंट देख के, हमने कहा कि जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक नए से नए टैलेंट को प्रमोट करें, और वो लोग जो जिनको ये रैंडमली पता ही नहीं होता हम लोगों ने जाना किधर है और कौन सी लाइन पे जाना है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग होते हैं लेकिन गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, और शोबिज में स्पेशली मैंने यहाँ पे एंट्री इस वजह से ली है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जस्ट सीख रहे होते हैं बट आगे नहीं जा रहे, तो उनके लिए मेरा फॉर्म खुला है और मैं आगे उनके लिए सपोर्ट भी करूंगा। आपने हाथ में लाया, हमने कहा कि स्किजिया इतना अच्छा काम कर रहा है तो यहाँ तो डेफिनेटली आना चाहिए। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इंशाल्लाह हमारा फैशन शो बहुत मजेदार होगा, और आज हम ट्रू टैलेंट को सामने लाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी, 100%। आप लोग भी आ सकते हैं जनाब, ये लाइव शो है, कोई भी आप में से मॉडलिंग करना चाहता है फौरन से आ जाइए, दरवाजे खुले हैं कोहे नूर के आपके लिए, स्किजिया के आपके लिए, आप लोग आ सकते हैं। अभी यहाँ फैशन शोज होंगे, यहाँ पर रैंप वॉक्स होंगी, सो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना इमरान, कि जब ऐसा कोई काम करना हो तो हम अकेले क्यों बैठे हैं, हमारे साथी होंगे साथ जो कि जज करेंगे हमारे टैलेंट को। अब वो तीन नाम ऐसे हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तीनों का एक लेवल अचीव हुआ है, जिन्होंने हार्डवर्क किया है, ब्लेंड दिया है हार्डवर्क का, और आज वो इस मकाम पे हैं कि आज वो जज करेंगे आप लोगों को यहाँ बिल्कुल बैठ के। तो आइए कहते हैं साथ यहाँ से, एक ऐसा नाम जो मेकअप की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल इख्तियार कर चुका है, मेकअप स्टाइलिंग इन पे ख़त्म है आके, इस पे इनका हाथ लग जाए, पहले भी कहता हूँ मैजिकल हो जाता है, क्या कहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं भाई यहाँ तो, कमाल फन हो जाता है, और कहाँ कहाँ से तमाम लीडिंग सेलिब्रिटीज़, तमाम लीडिंग मॉडल्स इनके मेकअप में आ चुके हैं। तो जनाब कबीर गिल को अब कौन नहीं जानता, वेरी फेमस, वेरी अ वेरी ओन टाइप ऑफ मेकअप स्टाइलो आर्टिस्ट हैं ये, और कमाल ही होना रखते हैं। लेट्स वेलकम अवर फर्स्ट जज कबीर गिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर कैसी वाइब्स हैं? ब्यूटीफुल इंट्रो। और हमने कहा कि स्किजिया भी चाह रहे थे कि आप जज जरूर आए, सेकंड राउंड में ऑब्वियसली होना तो था, अब ये थर्ड राउंड हो रहा है, फिनाले राउंड है ये,
और कैसी बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आज, क्या होने वाला है आज? बस कुछ एक्साइटेड लेके आए, क्योंकि लास्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में ये था कि हम लोगों ने से सिलेक्ट किए कुछ या अब मॉडल का ये नहीं कि मॉडल है तो बस उसका फेस देखना है, आपने उसमें देखना कैरेक्टर क्या है या वो चीज कर पाते है जो हम एक बड़े वाइब्स है कि रंग गोरा ऐसा नहीं होता यार, रंग जैसा भी हो नीट भी है आप, तो अगर आपको अपने आप को कैरी करना आता है तो यू आर अ मॉडल है ना। सो वेलकम ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, कि आपने सुबह खराब की नींद और आप यहाँ पर आए हैं जजिंग करने फॉर स्किजिया। मॉर्निंग शो बहुत डिफिकल्ट है, वो आपके जॉब है। एग्जैक्टली, सो फॉर स्किजिया यू हैव जस्ट कम अलोंग, थैंक यू सो मच। एक बहुत जबरदस्त शख्सियत से मिलवाते हैं आपको, अपना सैलून रन कर रही हैं डीएचए फेज 6 में, वाओ द ब्रांड एरिया, एक्चुअली ग्रैंड एरिया बल्कि डीएचए फेज 6 अपना सैलून रन करती हैं, स्टाइल सैलून बाय शफक के नाम से। कमाल शख्सियत है इनकी, मैं से मिला आई थॉट कि ये मॉडल है शायद, लेकिन नहीं, मैं तो ब्यूटी आर्टिस्ट हूँ। ओह माय गॉड, अब तो सैलून रन कर रही हैं और कमाल फन रखती हैं, इनका भी लेवल है, अचीव कर चुकी हैं, ट्रू हार्ड वर्कर शेज, और ये भी बिलीव करती हैं परफेक्शन पे। तो और जब इनके सामने चेहरे आएंगे आज तो ये जान लेंगी, इनको जांचेंगी आज कि वो चेहरा इनकी ग्लॉस पूरा आता है कि नहीं आता। तो लेट्स वेलकम शफक जी, तो क्या जाएंगे शफक आमिर, टू बी वेरी प्रिसाइज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू ऑन माय शो एज अ जज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। एक्चुअली आई एम मॉर्निंग पर्सन, मुझे तो अच्छा लगता है बल्कि आके, और आई एम हैप्पी विद हिम कि इन्होंने न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दी है। सीरियसली आपके लिए हो रही है, क्योंकि देखिए आप न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इमरान बता रहे थे कि पूरे पंजाब से लोग आए हैं इस पर, और खाली लाहौर के ही टैलेंट नहीं आ रहा, लोग ट्रेवल करके भी आए हैं, इस्लामाबाद है ना, हार्ड वर्किंग है लोगों के लिए, लोगों की अपॉर्चुनिटीज है, और ट्रस्ट में आप करके किसी पे जाओ, अच्छी लोग ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपके नाम पे आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे कुछ और इस तरह का प्लान है कि लाहौर में तो सब आ रहे हैं ना, क्यों ना हम लोगों के पास जाए नेक्स्ट, हमारे छोटे शहर में जाएंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर एक्चुअली में टैलेंट है, भरा हुआ है टैलेंट, ग्रूम करने की जरूरत, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जजेस काफी चार्ज लग रहे हैं मुझे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हसीन है, वो नाजनीन है, बहुत जबरदस्त मॉडलिंग करती है और बड़ी बबली सी हैं शख्सियत उनकी, बड़ी नेचुरल सी हैं, बड़ी रियल सी हैं, तमाम फैशन शोज, तमाम लीडिंग फोटोग्राफर के साथ काम कर चुकी हैं, और आज वो हमारी जज है यहाँ पे। वी आर प्लीज टू इनवाइट हर बिकॉज शी इज द बेस्ट इन व्हाट शी डज। तो अब कौन नहीं जानता FB को, यानी कि फलक भट्ट को, क्या कहते हो कबीर? फलक को सब जानते हैं अब तो, फलक भट्ट, या तो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस फलक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम एंड जजिंग द शो, एक्चुअली थैंक्स टू यू एंड यू। हाँ, हमने चॉइस की थी मिल गई कि किसको जज लेकर आना है, तब मैं तीन नाम सेलेक्ट किए कि ये नाम ऐसे हैं जिनका लेवल है और जो सही मानों में गैर जानिबदार वो करेंगे। और मैं स्पेशली ये चाह रहा था कि यही लोग हैं, या आप लोगों में मैंने एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड देखे कि आप लोग फेवरेटिज्म नहीं करते, देखे काम के मामले में प्रोफेशनल है, और आप लोग इतने स्किल्स रखते हैं कि मजा आता है देखने में, मजा आता है बिल्कुल, और लग रहा था नहीं यार आप ये बहुत अच्छा काम करने वाले, बिल्कुल सही। मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की, मैं ये जज यही चाहते हैं कि जो न्यू टैलेंट भी है ना वो भी, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलता है, ऐसी बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं ये बात मुझे क्यों नहीं मिला, वो चांस आपने दिया और इसके क्रेडिट आपको जाएगा, और स्केजिया ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस तरह की हम और चीजें भी करते रहेंगे, चाहे वो फैशन में भी हो, म्यूजिक में भी हो, और हर जगह एक्टिंग में भी हो। अभी लग रहा है पाकिस्तान के साथ साथ शोबिज में भी तब्दीली आई, तब्दीली आई रे, क्या बात है। नाज़रीन, आज का एक प्लान मजेदार शो है जो हम पहली बार करने जा रहे हैं अपने मॉर्निंग शो में। प्लान क्या होगा, पहला मजेदार है हमारे सामने, पहला राउंड होगा जिसमें यहाँ पर आएंगी वो लड़कियाँ जो मॉडल बनना चाहती हैं, जजेस के हाथ में मार्कर्स भी हैं, पेन भी हैं, फाइल्स पहुँच चुकी हैं, नाम उनके पास लिखे हुए हैं सारे, आप उनको मार्क्स देंगे, उनको रेट करेंगे, आप कोई भी एक सवाल उनसे कर सकते हैं, सवाल ही करेंगे बस, कमेंट्स देंगे उनको, हम सवाल जो आप नहीं खेल रहे,
टाइम नहीं है इतना, क्या कहते हैं आप, है ना, हम सिर्फ कमेंट्स दे सकते हैं हम उनको कि क्या उन्होंने वॉक कैसी की, अभी वो यहाँ आएंगी। नाज़रीन आप लोग दिलों को थाम लें, यहाँ पर हसीन चेहरे भी आने वाले हैं, हैंडसम डूड्स भी आने वाले हैं, तो मजा आने वाला है, राइट। सो और क्या प्लान हमारा, तो क्या प्लान होगा हमारा इसमें, किस किस तरह, मतलब हमने किस तरह चूज किया इन सब बातें, मजेदार लग रही है कुछ यहाँ पर, लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, आई लाइक इट। हमने सवाल करा था इनसे, एज यू यल आपके वो होता है ना कि अंदर से हंसी आनी चाहिए यार, ऊपर से सर्दियां भी अब नॉक नॉक कर चुकी हैं, तो यार हैप्पी की मौसम भी अच्छा, मौसम भी अच्छा। जैसे न्यू मॉडल्स को प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो उनके ना हार्ट बीट तेज हो जाती है, इस वक्त हम तीनों का भी वही है, और जो हमारे साथ नाज़रीन है उनको बड़ा इंतजार कर रहे हैं क्या होने वाला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जजमेंट करना, या सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चा होता है, दिल से हंसी आए तो नजर भी आती है। लेकिन मैं सवाल कर रहा था इनसे इमरान साहब से, जो मॉडल्स आने लगी है इनके लिए हमने क्या फिट किया था क्राइटेरिया आने के लिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, आई थिंक सो, जो मॉडल हाइट होनी चाहिए ना, मेरे ख्याल से जो मॉडल्स होती है ना, हाइट गुड लुकिंग से मैटर ज्यादा करते, पॉजिटिव एटीट्यूड, वाह और क्या बात है, ईगो, क्या वो ईगो तो नहीं रखती, क्योंकि ये काम है ना, आप एक नॉर्मल से आप हाइट को भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छी वॉक करते हैं, वो मेरे पास स्पेशल मॉडल्स भी हैं और मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ, पर कुछ हाइट भी वाली होती है, लेकिन वो फिट नहीं बैठ, बॉडी गेस्चर आपका बड़ा, मेकअप जैसे कि मीर भाई कह रहे थे, इनको पता होगा मेकअप बॉडी गेस्चर हो गया, आपकी वॉक हो गई, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तमाम चीजें एक मॉडल कर सकते, जबरदस्त हो गया। तो बस हम शुरू करते हैं फिर, तो जनाब अब पहला राउंड होगा लड़कियों का, गर्ल्स आएंगी, फिर मेल्स आएंगे, और उसके बाद विनर्स आएंगे एज कपल्स। सो स्टार्ट करते हैं, पहला राउंड हमारा स्टार्ट, द बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑसम, पीछे चल रही है एक जबरदस्त सी गजल आबदा परवीन जी की, सुबह सुबह अगर सुनने को मिल जाए आबदा जी तो क्या चाहिए, और पूरा दिन निकल जाता है आबदा परवीन ऑल द टाइम फेवरेट, और उसे हाथ में एक गर्मा गर्म चाय का कप। सो लेट्स अनवाइंड द फर्स्ट स्टोरी राइट नाउ, द गर्ल्स विल बी कमिंग हियर, सब फाइल्स पेपर्स पहुंच चुके हैं आपके पास विद नेम्स, सो लेट्स स्टार्ट इट, क्या कहते हैं, तो जनाब बिगल बजाते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द गर्ल्स काउंटडाउन, आवर फीमेल मॉडल्स आर ऑल सेट टू सेट। तो हो गया एंड वी हैव विद अस द फर्स्ट मॉडल द गॉर्जियस हिना खान ऑन आवर राइट, तो व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट हिना, कबीर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या राय है हिना के बारे में, हिना को ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर चुके थे एंड शी इज परफेक्ट है ना, आई थिंक हिना में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो कि एक सुपर मॉडल में होनी चाहिए, है ना इमरान साहब,
स्वाति हिना इज परफेक्ट एनी राय आपकी शी इज गुड जब प्रेस आएगा पूरी लुक क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली शी विल बी फाइन सबसे मेन चीज एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं एक्सप्रेशन पोस्टर अच्छा है एक्सप्रेशन लेस नहीं है एक्सप्रेशंस भी हैं मॉडलिंग के साथ एटीट्यूड भी है एटीट्यूड तो मस्त है सब कुछ अच्छा है स्माइल भी क्यूट है इनकी वेल डन हिना यू आर टू गुड देन वी हैव ज़ारा द सेकंड वन ज़ारा का मैं फलक आपके कहती है माइक आपके पास होना चाहिए आपका माइक वो है बताइए ना कुछ ज़ारा के बारे में बताइए ज़ारा थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन वगैरह जो है ना वो नहीं है बट लेकिन हार नहीं माननी ये सबसे पहली बात है हिम्मत नहीं हारनी है ये याद रखना आई थिंक सो शी इज़ बिट नर्वस टू नर्वस लेवल है आई थिंक सो शायद इसलिए ऐसा हो जाता है आप भी कर रहे हो तो बिल्कुल सीरियस होके इतना भी सीरियस नहीं होना है आप लोग आज यहाँ पर काफी चेहरे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं okay. है, कुछ कोई बात नहीं चलता है लेकिन आप देखिए उनको कि आइंदा का फ्यूचर वो हो सकते हैं उसमें मान लेते हैं इंशाल्लाह मिथुन से गुड है चले गुड है मिथुन से भी गुड ही है वैसे मैं जज हूँ एक मैं महारथी अरे बात सुने मेरा नाम महारथी जज है महारथी चलिए ओके थैंक यू सो मच गर्ल्स बहुत शुक्रिया यू कैन गो बैक नाउ थैंक यू वाओ स्टार्ट तो अच्छा हो गया हमारा राइट सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट So guys, आप बताइए मिस शफक जी कि आपकी क्या राय है हाँ शी इज ओके अच्छी है वॉक में अच्छी है एक्सप्रेशन वही है थोड़े से अच्छी है शी इज गुड और मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है माइंड नहीं करें आप लोग इसको एंजॉय करें आप ठीक है एंड देन वी हैव द गॉर्जियस अवीजा अवीजा हमारे साथ लेफ्ट साइड पे सो कबीर आप ही कह रहे हैं अवीजा के बारे में अवीजा शी हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड लाइक वर्क में थोड़ी सी इसको मेहनत करनी पड़ेगी and she know how to pose like pose iska jo ending tha wo acha but I have heard ke she's also done some music videos so Aviza well done jaise we are talking about show nahi main aise keh raha hu ke matlab usse inko idea ho chuka hoga ke pehle camera face karna hai camera face karna hai lekin ramp ki kuch jo hai basic cheeze wo thodi si hai we like she can do usko better kar sakte hai practice kare abhi show mein kafi time hai to usko rest kare to because show bhi hone wala hai nazreen aur show ke liye aaj jo ho raha hai yahan par फाइनल सिलेक्शन हो रही है जी ठीक है ना मैंने गलत तो नहीं कहा जजेस ऑन द नो हैं उनको पता है कि हमने क्या करना है गर्ल्स थैंक यू सो मच आपके आने का थैंक यू मजा आ रहा है भाई बिकॉज नाजरीन अभी भी आप आ सकते हैं इट्स अ लाइव शो अगर तो कोई चॉइस आप भी चॉइस कर सकते हैं हमारे साथ और अगर आपको लगती है कोई अच्छी मॉडल तो हमें आप पोस्ट करें फेसबुक पे हमारे पेज पे लाइव शो चल रहा है इस वक्त आइए नेक्स्ट सेट ऑफ गर्ल्स आ जाइए प्लीज
जैसे मतलब कुछ हो रहा है आज, मतलब ये क्या गाती है वैसे ये, मतलब उसने पूरे माहौल को इस आवाज ने एक मेस्मराइज कर दिया गाइस, क्या कहते हैं आप, शो जोन में आपको ले गए, शो जोन में चले गए हम, सही फैशन शो वाली फील है, सो वी हैव विद अस राइट नाउ एमर शेख, तो क्या राय आपके, एमर गुड वॉक एक्चुअली, एमर वेल डन, मजा आया, आप बताएं, आप बताइए पलक, माइक आपके पास है, एज यूजुअल इनमें तो मुझे सब कुछ दिखा, रियली स्लैब, सब कुछ दिख गया पलक को आज, दैट मींस कुछ न्यूज इज कमिंग अप, राइट, शी सिलेक्टेड देखो एमर की लुक कितनी मजे की आ रही है, आप देख रहे होंगे इस पर शी हैज दैट एटीट्यूड दैट ऑरा विद मॉडल कैरी करती है, जबरदस्त हो गया भाई एमर, वेल डन, एंड देन वी हैव मारिया जहांजेब द कम्स इन वन, तो क्या राय है आप बताइए, मारिया भी अच्छी है, मुझे लगता है थोड़ी सी नर्वस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेकिन शी इज गुड, अच्छी है, परफेक्ट हो रही है, टीवी के लिए परफेक्ट है, आई थिंक सो, शी इज विद नर्वस, इंशाल्लाह हो जाएगी, मजीद इंप्रूवमेंट्स हो जाती हैं, मारिया क्यूटनेस है, जो हमारे बैठे ना मारिया, ये लग वो लोग जिन्होंने अपनी एक टाइम गुजारा है, तो अब जब टाइम गुजारते है ना नाजरीन, तो फिर वो मालूम होता है कि परफेक्शन कहाँ से आ रही है, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी ट्राई करो, डन हो गया, थैंक यू गर्ल्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, शुक्रिया, एंड देन लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट सेट ऑफ गर्ल्स, वी हैव एनी एंड शुमायरा मिर्ज़ा, ओके लेट्स, यस सर नो कैन, सो लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट सेट ऑफ, तो फिर क्या बात हो जाती है नाज़रीन, आई एम श्योर आप घरों में बैठे इस वक्त चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या बेड पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं अभी, तो आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, आज गुड मॉर्निंग कोहिनूर में यहाँ पर आज ऑडिशंस हो रहे हैं उस फैशन शो के जो कि स्कीज़िया करवा रहा है अगले हफ्ते इंशाल्लाह लाहौर के एक बड़े से वेन्यू पे, और फिलहाल वी हैव विद अस एनी चौधरी, थी हमारे साथ, शी इज एनी चौधरी द अमेजिंग वन, सो क्या राय है कबीर आप बताइए, पैकेज हम लोगों ने फाइनल में राउंड में आ चुकी हैं, आप तो इनसे जानते हैं जी, प्लीज गर्ल्स आप बताइए, कबीर ने कह दिया तो हम कैसे, ओह माय गॉड, ऊपर से बहुत बहुत ऊपर, कबीर जैसी थोड़ी सी नजर तो हम भी रखते हैं, बड़ा ही बातें मजे की होती है, हाँ, और वही बात आ जाती है ना, न्यू टैलेंट है, हम डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते कि हम डिस्करेज करें उनको, अच्छी है, सब में टैलेंट है, आपको तो अपना सैलून है, आप पर ढेरों लड़कियां डेली आती हैं बेसिस पे, सो हाउ डू यू रेट द फेस ऑफ एनी एज अ, अगर मेकअप की बात की जाए तो शी हैज गुड फेस, अच्छा है, लाइक फीचर्स अच्छे हैं इसके, मेकअप के लिए अच्छा है, she's overall good, she's good, zabardast, great work Annie, great one, and then we have Shumaila Mirza, mere left side pe hain, ji kaun bata raha hai main Shumaila ke bare mein,
जजेस खामोश क्यों हैं? नहीं, शी इज गुड. मैं यही कहूंगी हमने डिस्करेज नहीं करना, सबको यही कहना है कि भाई अच्छा और मजीद इससे अच्छा कर सकते हैं. शी इज गुड, तो हम इनको डिस्करेज करके ये नहीं कर सकते. हम इनको डिस्करेज कर दे नेक्स्ट के लिए वो कहेंगे कि हम शायद सिलेक्ट नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट डबल एनर्जी के साथ ट्राई करना है. लेकिन जो थोड़ी बहुत प्लस माइनस है वो तो आपको पता है, फिर उसको बाय द टाइम इंसान इंप्रूव करता है. डन डन डन, बिल्कुल सही है जनाब. क्या बात है हमारी आज की सिलेक्शन की. सो वेल डन शुमाइला, यू रॉक. एंड गर्ल्स थैंक यू फॉर कमिंग ओवर. लेट्स हैव नेक्स्ट सेट ऑफ गर्ल्स नाउ. And the interesting scenario is that Nazreen, we have two girls and they both are Aruj. But let's go right on the right side first. Aruj Khan, Aruj is very famous on TikTok also. Aruj, मैंने अभी हाल ही में explore किया कि Aruj तो बड़ी famous है भाई. So क्या? हाँ, she's really good, very nice. She's overall she's good. Walk भी अच्छी है, expressions भी अच्छे हैं. You can say package, full package. Expressions भी अच्छे हैं और बड़ी confident. माशाल्लाह, सबसे मजे की चीज़ ये. और she's already a star actually. Yes, लग भी रहा है. Actually, she's looking, you know. Height plus point होता है रैंप के लिए. हाँ, जबरदस्त जबरदस्त. Very nice. And we have Aruj, but Aruj के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो सब कुछ मिलेगा ना. अरुज स्वीट और क्यूट दोनों, और मेरी तरफ से तो अरुज ये भी फाइन. क्या रियली नाइस. जैसे तो नहीं कि बट बट आपस में बट आपस में ये बट क्यों तो ही मुझे कहेंगे बट को वोट दिया. नहीं कोई बात नहीं, सब चलता है, अच्छी बात है. हाँ, क्या कहती हैं आप बताएं. ठीक है, वॉक में मुझे लगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं. She's young, तो अभी जरा उनको टाइम मजीद मुझे लगता है ग्रूमिंग और होनी चाहिए. हाँ, वो तो देखिए आप लोग जब आएंगे और जब ग्रूमिंग करेंगे थोड़ी बहुत तो फिर खुद ठीक हो ही जाएंगे लोग. सो जबरदस्त, थैंक यू गर्ल्स, बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू. नाज़रीन, इस वक्त वी आर लाइव राइट नाउ ऑन कोहिनूर और आपके लिए ऑडिशन के दरवाजे खुले हैं. आप हमें एड्रेस भी दिया हुआ है, आप लोग सब आ सकते हो इस वक्त. गर्ल्स बॉयज भी हमने फर्स्ट राउंड किया है, आगे भी राउंड हो सकते हैं. जैसे मेरे को आएगा हम उनको फौरन यहाँ पर वॉक करेंगे. अभी जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक, क्योंकि लंबा सा सेशन हो गया है. ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मजे मजे के अगले राउंड स्टार्ट करते हैं. अब जो राउंड आएगा वो बॉयज का होगा. वी हैव सम बॉयज वेटिंग फॉर अस जो कि यहाँ वॉक करेंगे, और उनकी क्या राय होगी वो सब देखेंगे ब्रेक के बाद. और हाँ, बल्कि क्यों ना काम करेंगे, कुछ पहले म्यूजिक कर लें, क्या कहते हैं प्रोड्यूसर साहब, क्यों ना पहले हम ब्रेक के बाद म्यूजिक को जाएं और उसके बाद फिर हम जाएं टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड. तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद. हो
उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी आफरी आफरी, या तो ये गाना मेरे बस ना मन में उतर रहा है कि ऐसे गाने आ रहे हैं, ऐसे हसीन चेहरे यहाँ पर आए। देखा आपने नाजरीन, पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की। पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल लाइक दिस। अब वक्त आ गया है कुछ सुरों की बारिश हो जाए, कुछ लाइव सॉन्ग सुन लिए जाए। सुबह का वक्त है और वी हैव विद अस एन अमेजिंग आवाज जो कि लाइव गाने में कमाल रखते हैं अपना। गिटार उनके पास होता है, कमाल वो गाते हैं, आवाज उनकी आला है, सुपर से बहुत ऊपर है। वी हैव विद अस द अमेजिंग सिंगर उसामा सलीम जो कि आज मौतर करने आए हैं फिजा इन द फैशन वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज आपको वेलकम करते हैं शो में। सो सुना क्या बहुत अच्छा गाते हैं। बस Are you enjoying the fashion show for? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। अभी girls का round देखा आपने? बिल्कुल, क्योंकि हमारी field singing से related है, तो हम चाहते हैं। मुझे बताओ कि जो भी girls देखी हैं आपने वो कैसी थी? माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना? They can move big. इस दुनिया में रखा हुआ है। Oh my God! ऊपर से बहुत ऊपर। सुन तो आ गया। जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा। अभी क्या सुना रहे हो हमें बताओ? अभी हुस्न वालों के नाम एक गाना। आ जाओ फिर, आ जाओ। वाह, आँख उठाते हैं हुस्न वाले जिधर, बहुत आला। आँख उठाते हैं हुस्न वाले जिधर, दूर तक कत्ले आम करते हैं, और कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वाह, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए। उनकी फितरत में है बेवफाई, उनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई। अच्छे अच्छों को देती है धोखा, भोले भालों से अल्लाह बचाए। और उनकी मासूमियत पर ना जाना, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेती है अब ये भाई बताएंगे उठा के हकीकत बात है कि नहीं शेर में। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। लूट लेती है ये मुस्कुराकर, इनकी चालों से हल्ता बचा। अब उस वाले कैसे लूटते हैं? झलक रुकी दिखा कर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिला कर लूट लेते हैं। ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नफासी है, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नफासी है। हंसा कर लूट लेते हैं, रुला कर लूट लेते हैं। यस, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए। बहुत आला, बहुत आला, वाकई समा बांध दिया आपने। हमें हमने जब थोड़ी म्यूजिकल ब्रेक ली थी ताकि जरा जो इतना टेंस माहौल था, टेंशन क्यों होती है जब आप जजिंग कर रहे होते हैं? एक आपकी हाँ जटिक हो गए।
डालते हैं म्यूजिक गाने के अंदर भी कॉम्पिटिशन होते हैं। बहुत मुश्किल होता है जज करना। आपने हमें एक म्यूजिकल डोज दी, दोबारा मिलते हैं कुछ देर के बाद दोबारा आपसे। नाज़रीन इस वक्त गाने चल रहे थे, सुने आपने मजे के गाने गाए, सामने भी हम जाएंगे बैक टू द पवेलियन यानी के टुवर्ड्स द फैशन सीन। और अब राउंड होगा वॉइस का। वही मजा आ गया, स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। तो वी हैव विद अस जजेस, उज़ैर हमारे साथ हैं। क्या राय है उज़ैर के बारे में आपकी? कभी आप दीजिए राय, क्या है आपके उज़ैर के बारे में? अच्छा, आपको अच्छा लग रहे हैं, मतलब कि ऐसा कि वो मॉडल हाइट अच्छी है, कंप्लीट पैकेज है। Yes, I'm okay with that. Okay, height भी है और I know that. Plus point यही था। हाँ, height. जबरदस्त है। And दानिश तनवीर मेरे लेफ्ट पे हैं, तो इनके बारे में क्या राय है आपकी? Really? Yes. दानिश छा गए तुम्हें भाई, क्या अच्छी हुई है ओपनिंग? तो अच्छी हो गई है। सो एनी सजेशन फॉर दानिश, एज इन के कुछ क्या करें दानिश with us Tanveer, sorry, Fani Raj. Fani. क्या राय है? Fani अच्छा है, but मुझे लगता है थोड़ी space पे smile होनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ Fani, आपको मुस्कुरा दो। हाँ, Fani के बारे में बात ये कि Fani और भी बहुत कुछ करता है। He's also into music and all these things. तो Fani तो ये अच्छा है, but मुझे लगता है थोड़ी smile भी face पे रखो। तौकीर गोंदल, तौकीर जो है वो खास तौर पर शो के लिए आए हैं गुजरांवाला से, राइट? तो क्या राय है आपकी? देखिए आप लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं?
यस क्या बात है, इतनी दूर से आए और माशाल्लाह से बॉडी भी काफी अच्छी है। फाइनल करना बनता है, बाद में तैयारी करके आए जाए ना, तैयारी करके आए हो, तैयारी करके आए। सो आई थिंक ये तो ओके है, नो नो नो, जबरदस्त है। तौकीर वेल डन, वेल डन। सो तौकीर एंड फानी यू कैन गो बैक, थैंक यू सो मच बॉयज फॉर कमिंग ओवर। और जनाब मजा आ रहा है क्योंकि आज यहाँ पर पाकिस्तान के टैलेंट को कॉल दी गई है फ्रॉम स्केजिया, और स्केजिया टैलेंट एजेंसी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है पाकिस्तान आया है आज हमारे शो में पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट बॉयज आ जाइए। मेरी शाम है जुदा नहीं, तू एक पल का ही तुझको जाना है, माना है जिंदगी साहिब तेरे बंदिया, साहिब तेरे okay, so we have with us समर डार। समर, समर आप हैं तो क्या राय है समर के बारे में आप लोगों को बताइए ना फलक। अच्छा कबीर, क्या कहती हैं आप फलक? समर गुड है। गुड है, ओके। शफक? एवरेज। एवरेज कहा आपने? आपको लगता है कि मॉडलिंग कर सकते हैं, रैंप पे चल जाएंगे शो पे? प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वही ना, देखिए मैं क्या कहता हूँ, देखिए नाज़रीन हम इस वक्त चूज कर रहे हैं, अरमान आपकी भी राय बहुत जरूरी है इस मामले में, देखिए आप रूहे रवा है ऐसे जैसे कि जो इतने ऑनरेबल जजेस बैठे हैं तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक राय बहुत जरूरी है, आपकी राय बहुत जरूरी है। मैं जस्ट देख रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, डन हो गया, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और समर डार के आप कुछ कहना चाहते हैं कबीर? समर नहीं कुछ कहना चाहते, थैंक यू समर। बुरहान अजीजी वी हैव विद अस। बुरहान, बुरहान की लुक्स तो हैं। बुरहान ये आईज आपकी ओरिजिनल है और लेंस बट शूट कर रहे हैं, ओरिजिनल लग रहे हैं। अच्छा हाँ। लेकिन बुरहान मुझे अच्छा पैकेज लग रहे हैं, अच्छा है, मजे के लगेंगे है ना? Yes. I think so. So बुरहान, okay, thank you so much. बुरहान की ये कि बुरहान ने टीवी सीरीज भी किए हैं और ब्रांड शूट्स को भी कुछ स्टार्ट किए हैं और आप डॉक्टर बन रहे हैं, कहाँ से कर रहे हो? UMBC डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ग्रेट है, पढ़े लिखे बच्चे भी आने चाहिए, मतलब वो अपनी लुक का भी भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं और अपने टैलेंट का भी। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जनाब वेलकम करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ गाइस को, आ जाओ जल्दी से मैदान में और चार्जर उठा करके। समझो जरा शुरू भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जबान को समझो जरा, हाँ छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जबान को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, अरे छोरो भी गीला हुआ जो हुआ। सो लेट्स स्टार्ट दिस टाइम विद दिस टाइम कि हारिस सईद हमारे साथ हैं और हारिस जो हैं वो वेब डेवलपमेंट यानी आईटी से लिंक्ड अप हैं। वाओ जजिस क्या राय है आपकी हारिस के बारे में? कबीर आप बताइए। हमारी ये राय, हमने सबको कहना है आपके बारे में आप लिंक करें। ओह मेरे से हारिस मुझे ठीक लगते हैं क्योंकि हारिस की भी हाइट ठीक है, लुक्स हैं, अगर थोड़ा सा ये अपनी थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करे, हल्की फुल्की टोनिंग करे तो ये बहुत अच्छा साबित हो। अभी थोड़ा यंग भी तो हो ना, कितनी एज है आपकी? हाँ 17, कैन यू इमेजिन? आप सोचते हैं कि लड़का बाय 1920 अच्छा पैकेज बन जाएगा, तो आई थिंक दे हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स, बट आई थिंक अभी चांस देना, अभी चांस देना चाहिए इनको, इज अ गुड वन, अपना पुट ऑन करना चाहिए। और तलहा शौकत, तलहा
पहले आपके बारे में क्या राय है? आपके मुझे राय नहीं जा रहे हैं, ये क्या बात है? मैं तो महारथी जज था, महारथी आप बताइए। मुझे पर्सनली इनकी ना स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, स्टाइलिंग तो अच्छी है और मेरा ख्याल अपना आई थिंक तला को थोड़ी सी मेहनत कुछ करनी चाहिए अपने लुक्स पे, अपने यू नो बतला। पता होता क्या है, देखो मैं एक बात कहूंगा, डिफरेंट फील्ड है लाइफ में, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, सिंगिंग है। हर बंदा मॉडलिंग नहीं कर सकता, हर बंदा एक्टिंग भी नहीं कर सकता, हर बंदा कॉम्पेयरिंग भी नहीं कर सकता, हर एक अपनी फील्ड है। आई थिंक अभी तला को थोड़ी बहुत मेहनत चाहिए, मेबी एक्टिंग में अप्लाई करें, क्योंकि एक्टिंग में तो कैरेक्टर चलते हैं। या एग्जैक्टली, उन्होंने कैरेक्टर बनाया है, फेसबुक बनाया है। लेकिन गुड अटेम्प्ट, आप आए हमें अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें और मेहनत की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आइए जनाब, प्लीज कोई भी डिसहार्ट ना हो यहाँ पे, हम सिर्फ एक कहते ना एक चिल पिल माहौल में हम चाह रहे हैं कुछ अच्छा हो, राइट? सो नेक्स्ट सेट ऑफ बॉयज वेलकम करेंगे। साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर, वो मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। नाराज हो है मेरे, कितने पास हो नाजुक नाजुक सी, जनाब जनाब राउंड चल रहे हैं इस वक्त, मेल्स का सिलेक्शन हो रहा है और जजेस के सामने इस वक्त आए हैं मोहम्मद उमर महमूद। उमर है उमर की, वैसे उमर से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, उमर मीठे में क्या खाते हो जो इतने स्वीट हो? मुझे भी बताओ। मीठा खाते नहीं, मुँह सही टोन हो गया है। उमर की अच्छी बात लगती है, उमर की स्टाइलिंग पूरी होती है, पूरा सही प्यार हो के आता है। हाँ, जजेस की राय को हम मानते जल्दी कह रहे हैं ठीक है, चलो सही है। थैंक यू बॉय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। लहरों की ज़बाँ को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। मजा आ रहा है जजिंग करने का, लेकिन जजिंग के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास इन कंधों पे भी है कि कंधे बड़े थक चुके हैं, कि वो टेंशन में होते हैं एक टाइम्स, क्योंकि तो मुझे गरम गरम चाय चाहिए, एडमिन मुझे चाय पहुंचाई जाए, हम लोगों को चाय चाहिए ना, हम लोग फैसले कर रहे हैं, हमें चाय चाहिए। सुबह का वक्त है और मॉर्निंग शो चल रहा है और आज यहाँ पर एक यूनिक मॉर्निंग शो है और वी हैव विद अस नोमान खान, राइट? नोमान हमारे साथ है, तो नोमान पे क्या पलक आप बोले, माइक का है आपका? बताइए फिर। नुमान जो है ये मैकेनिकल इंजीनियर है। नुमान की माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है और
लुक्स भी ठीक है, तो मेरी तरफ से यस। ओके यस, मुझे भी, आई एम ओके। वाओ यार, आज तो महारथी हो गए सब। आज सब तैयारी के साथ आए, तैयारी के साथ आए। वाकई उस्मान अकरम के बारे में क्या राय है आपकी? कभी चाहिए हाँ, अगर कभी आप स्टार्ट करें एवरेज कहा आपने? मुझे भी लगता है कि मुझे वॉक में थोड़ा सा लगा है, वॉक में थोड़ा सा क्या है ना अभी, मतलब कंफर्ट लेवल थोड़ा सा। आई विश आई वुड हैव आस्क्ड देम क्वेश्चन अगर मेरे पास टाइम होता, लेकिन कभी करेंगे वो भी सवाल के सवाल करें, और सवालों में भी आप आधी कहानी विन कर जाते हैं। वॉक के अलावा थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान। उस्मान मेहनत करो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ओवर। आइए, नेक्स्ट सेट ऑफ बॉयज रेडी हैं जनाब, गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और आते हैं वेलकम करेंगे अगले बॉयज को। आ जाओ जी। नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, चले जी। मेरे ख्याल में काफी यंग टैलेंट भी आ रहा है आज, लगता है काफी यंग टैलेंट भी आ रहे हैं, 17 साल 18 साल 19 साल। नाइस यार, मेहनत करें। और आपकी सुफियान कौन है आप दोनों में से, केज क्या है? 17 सी सुफियान, मैं कहूँ सुफियान तुम अगर जस्ट गिव योर सेल्फ 2 ईयर्स, ये एक ज्वालामुखी बन जाएगा। अगर कि थोड़ा जिम ज्वाइन करें, लुक्स पे कवर करो, यू विल रॉक, आई एम टेलिंग यू। फिलहाल आई थिंक इज टू यंग टू बी अ मॉडल, बहुत नर्वस तो हैं वो, आई एम श्योर। और एज भी ऐसी है ना, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस हुआ, और सामने फलक बैठी हैं, शफक बैठी हैं, कबीर बैठे हैं। देखिए होता है, जिनके नाम वो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अली बिन एजाज, बताना भी तो है ना कि अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ डिसहार्ट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। और अगर मॉडलिंग में भी आपका स्टार्ट नहीं होना, तो आप एक्टिंग में स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ जैसे वक्त गुजरता है फिर आप मॉडलिंग में आ जाओ। बचपन भी चलता है, बचपन भी चलता है, एक्टिंग में चलता है। सही बात, बचपन एंड बचपन दोनों चलता है। तो प्लीज बी इन टच, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बॉयज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आई एम से पूरा लाहौर पाकिस्तान आज आया है कोहिनूर के पास स्किजिया टैलेंट से, एंड आई एम सो लविंग द शो टुडे, है ना? मजा आ रहा है, आज कुछ डिफरेंट हुआ है, एंड वी आर एंजॉयिंग द शो। सो जनाब बॉयज आ जाइए। तो अभी हम यही बात नोट कर रहे थे कि तो लाहौर आ रहा है, पंजाब आया है, पाकिस्तान वापस आ रहा है, और अभी लाइव शो चल रहा है। आप भी ज्वाइन करें, जल्दी से घर से निकलें यार, मुंह हाथ धोएं और फौरन पहुंचे, इट्स अ लाइव शो। एंड इफ यू लाइक एनी मॉडल, जस्ट आप जाइए हमारे पेज पे, लाइव शो आता है फेसबुक पे भी, वहां कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है? सो वी हैव अरबाब हसन जो कि बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो लुक्स तो अच्छी है, स्लिम स्मार्ट। हाइट कितनी आपकी? हाइट मजेदार है भाई, यहाँ 5.5
5'6" तो नहीं सकती ना, तो हाइट तो अच्छी है. आप लोगों की राय क्या है? आप बोले मुझसे साथ पड़ा करें आप लोग. इनके लिए भी सेम वही बात होगी, थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान, थोड़ा सा ना जरा अपनी एज और निकालो, एक दो छह महीने जिम में गुजार लो, लुक बदल आएगी. और इन टच रहो, इन टच जरूर रहना, ये ना छोड़ देना इन टच होना, क्योंकि इससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी. प्लीज हमें बुरा भला मत इंस्टाग्राम के आई वेंट टू द ऑडिशन एंड दे रिजेक्टेड, नो नो ऐसी कोई बात नहीं. हमने बताना है इस चीज में जो हेल्प चाहिए वो हम करेंगे, कि कहाँ आपकी कमी है, किसको दूर करना है, वो उसके लिए हम हाजिर हैं. लेकिन ये इसको डिसअपॉइंट आपने नहीं करना कि हमें ये कह दिया वो कह दिया. डन डन, थैंक यू नवीद इकबाल. राइट नवीद, आपकी बॉडी तो अच्छी है, लेकिन बीइंग अ मॉडल आई डोंट थिंक कि मैं आपको अभी इस तरह से शो में ला सकता हूँ. फर्स्ट ठीक है, बाहर हल फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन अच्छी बात है, ट्राई किया है, बट और मेहनत करो एंड बी इन टच. थैंक यू सो मच गाइस. और अब मेंशन करता जाऊं, ये जो बच्ची आ रही है ना साथ, हम लोग नेक्स्ट टीवी सीरियल भी बनाने. ओह माय गॉड, फिर तो आप लोग वहां भी ट्राई कर सकते हैं. जस्ट स्टे लिंक्ड विद स्किजी और अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. थैंक यू. चले जी आइए. समझो क्या कहती है हवा, नाराज हो हाँ मेरे इतने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो. नाराज हो हम इमरान और उमर आसिम. राइट अरम आप हैं, अरम ये है, उमर ये है, तो दोनों को मेरी तरफ से तो आई डोंट थिंक कि मैं आगे लेके जा सकूंगा, क्योंकि आप दोनों को भी यंग हो, यू नीड टू ग्रूम योरसेल्फ, बहुत हार्ड वर्क करना है आप दोनों ने. सो मेरी तरफ से तो नो है. आप तीनों बता दें, शो नजदीक है हमें, बस पास हाँ, हमें फाइनल लोग चाहिए, फाइनल लोग चाहिए, बट आप आए हमारे शो में, थम्स अप. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट बॉयज. जुनैर फैसल और सनी मिर्जा एंड सेम आंसर फॉर माय साइड. शो नजदीक है, वी नीड द बेस्ट ऑफ टैलेंट पाकिस्तान. आप लोग आए, शुक्रिया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया. वॉक हो गई, चले एक अच्छा हो गया. नेक्स्ट सेट ऑफ बॉयज जल्दी से आ जाइए. नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो विद अस बिलाल शेख. और बिलाल तो मेरे ख्याल पैकेज है पूरा, पहले भी राउंड में आ चुके हैं, कुछ राय देंगे आप, है ना? सुपर, सुपर, सुपर. द वे ही लुक, द वे ही स्टैंड, द वे ही वॉक,
कंप्लीट पैकेज है, बिलाल हुड्डा ने जबरदस्त हो गया। एहसन के बारे में क्या राय है आप लोगों की? हमें अभी ऐसी लुक्स ढूंढ रहे हैं हम लोग जो बस हफ्ते के बाद चल पड़े रैंप पे और दौड़े उस पे, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ऐसा इंशाल्लाह अच्छा होगा आगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिलाल की लुक्स अच्छी है। हाँ बिलाल तो माचो मैन है, ओह माय गॉड आई लाइक इट। अब बिलाल सही तैयार भी होके आया, देखे ना वो स्किनी जीन मजा का। और नेक्स्ट मोबाइल जल्दी से आ जाओ की ज़बान को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। ओके जी, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे आपको तो अभी, हाँ न्याजी साहब आपकी राय भी न्याजी साहब दिल तोड़ना हमें से। अच्छा मुझसे आप लोग दिल तोड़ रहे हो, ये लास्ट कहना चले आप, लास्ट राउंड है ना, अभी है और राउंड है अभी नहीं। इसके बाद गर्ल्स कुछ, हाँ मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त बाहर बहुत रश है हमारे गेट पे और लोग गेट तोड़ रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं अंदर, और कुछ लड़कियों को हमने उसमें से सिलेक्ट किया बिकॉज बहुत दूर से आई हैं, तो उनको हम राउंड में अगले में लेके आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्पेशल राउंड हम लेके आ रहे हैं बस ये बॉयज के बाद। तो मुई अब्दुल राफे आपके कभी कभी बेटर लग, नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं अभी हार्ड वर्क चाहिए, मुईज की मुझे बेहतर लग रहा है पैकेज, क्या कहते हो रैंप पे अच्छा लगेगा, क्या कहते हैं ठीक है, अगर ग्रूम होगा गुड लुकिंग है लेकिन तो एक ट्राई कर सकते हैं, बताता हूं शो कह सकते हैं कि वो अपने फेस का फायदा उठा सकते हैं। हां ठीक है मोहित, यू आर फाइन, थैंक यू सो मच, चले बहुत शुक्रिया। सो यहां पे बखैर खूबी खत्म हुआ हमारा मेल्स का राउंड, हम टाइम दे रहे हैं जजेस को कि वो अपनी राय बनाएं। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द म्यूजिकल डोज बाय द सिंगर, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे गर्ल्स कुछ इंतजार कर रही हैं हमारा, तो हम लेके आते हैं गर्ल्स को म्यूजिकल डोज के बाद। जी नाज़रीन बॉयज का राउंड खत्म हुआ और लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, वाकई कंपटीशन टफ हो रहा है और अभी तो फैसलों की घड़ी भी आने वाली है इसके बाद, लेकिन उससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द रिजल्ट्स कि कौन से लड़कियां और लड़कियों ने अभी इसमें चूज हुए हैं, क्यों ना हम फिर से दावत दे दें उसामा को और उसामा फिर से कुछ महफिल को रंगीन कर दें अपने जबरदस्त सुरों से, क्या कहते हो उसामा? और पोएट्री लेके क्या है वो जिस तरह का माहौल है जरूर आप एंजॉय करेंगे, सुनाइए पोएट्री आपके नाम भी होगी कुछ तो, जी प्लीज आप सुनाइए। चैन तुमसे वाह, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, यूं तो लाखों हंसी है दुनिया में, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है, पैर हम तार तार करते हैं, 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 एतमा में बहार करते हैं, एतमा में बहार करते हैं। अब इश्क की भी दास्तान सुन लीजिए आपकी नजर पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं, बाद में
बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार करते गाने मजे के गा रहे हैं आप, बाद में बेकरार करते हैं। अब डॉक्टर साहब के नाम एक शेर है, जरूर। उन हसीनों से प्यार करते हैं, उन हसीनों से प्यार करते हैं, उन हसीनों से प्यार करते हैं, इन हसीनों से प्यार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं। और मर्द हजरात बहुत सादा मिजाज होते हैं, कितने सादा मिजाज हैं हम भी, कितने सादा मिजाज हैं हम भी, कितने सादा मिजाज हैं हम भी, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। उनकी आंखों को देखने वाले, अब आंखों की भी बात हो जाए, उनकी आंखों को देखने वाले, उनकी आंखों को देखने वाले क्या करते हैं, अपनी आंखों से प्यार करते हैं, अपनी आंखों से प्यार करते हैं, अपनी आंखों से प्यार करते हैं। झांकते क्यों हो आंख से अश्कों, झांकते क्यों हो आंख से अश्कों, लोग बातें हजार करते हैं, लोग बातें हजार करते हैं, करके घायल वो मेरा दिल बोले, करके घायल वो मेरा दिल बोले, क्या बोले, यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते हैं। अब आखिरी शेर है वो डॉक्टर साहब के नाम, जरूर। उन हसीनों को देखते यारो, उन हसीनों को देख कर यारो, उन हसीनों को देख कर यारो, अब ये कार्ड उठाएंगे और देखते हैं कि सुनना चाहते हैं अगला शेर। उन हसीनों को देख कर यारो, यस, क्या करते हैं, शुक्र परवरदिगार करते हैं, शुक्र परवरदिगार करते हैं, पैर हम तार तार करते हैं, पैर हम तार तार करते हैं, पैर हम तार तार करते हैं, एतमा में बहार करते हैं, एतमा में बहार करते हैं। बहुत आला, बहुत आला, क्या म्यूजिक था, बड़ा लाइव किस्म का स्पॉन्टेनियस म्यूजिक प्ले किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया रंग जमाने के लिए। नहीं नहीं, हाँ सब फिट किए आपने, जबरदस्त, मैं चीज ही वो तैयार करके लाया था जो रिजल्ट, दोबारा भी आपने आना है इंशाल्लाह, इंटरव्यू करेंगे आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर रिजल्ट की घड़ी भी आने वाली है और जजेस ने फैसले कर लिए हैं आपकी राय के साथ साथ, तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन अभी देखा आपने गाना कितने मजे के थे, सब अच्छा हो गया, थैंक यू उसामा फॉर द अमेजिंग सॉन्ग्स। और अब बारी है उन महारथियों की जिन्होंने दरवाजे तोड़े कि हमें लाओ, हम आए हैं, तो हमने कहा कि एक स्पेशल राउंड करते हैं बिफोर द फाइनल अनाउंसमेंट्स। तो गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे, लड़कियां कुछ आई हैं हमारे पास और प्यारी भी लग रही हैं, एंथुजियास्टिक भी लग रही हैं, यंग भी हैं, तो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। आफरीन आफरीन हो जाए, आइए। Thank you.
चिड़िया गेस्ट करने का नाम क्या है? अनारकली, सुपर से ऊपर अनारकली। तो क्या राय है अनारकली जुबैर के बारे में आपकी? आज हम देखें लड़कियां लड़के के बारे में सही बता, ये अच्छा जहाँ ना करना लड़कियां आज बताएंगी लड़कियों के बारे में। कबीर सही पॉलिटिक्स कर रहा है, लड़कियां आज बताएंगी लड़कियों के बारे में। आप लोग अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। ओह माय गॉड, सुपर हो गया ये तो। अनारकली के स्टाइल्स अच्छे हैं लेकिन मेहनत की बहुत जरूरत है अनारकली आपको। और माहीन नईम, राइट? माहीन प्यारे तो हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? प्यारे तो सब हैं, बस थोड़ा सा ग्रूमिंग। तो माहिर बोले कि कोई बात नहीं करें, लेकिन हमें अब शो में जाना है। ये जिस एज में आए ना, आपने एक ट्राई भी आने दो, आने दो। चलो माहिर, थैंक यू सो मच। अच्छा है, थैंक यू, वेलकम भी आपने कर दिया। आई वापस आ रहे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गर्ल्स आ जाइए, थैंक यू गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों, और हमने कहा था इनको अपनी मेहनत करके दिखाना, तो अब आज उन्होंने किया है। मारिया तो आज में हाँ, ये बहुत छोटी इनके लिए, यस बोल दिया। ये थी स्टाइल पूरे थे, नाम है इनका रमी रामी। इसी तरह आपने शो तक मेहनत करनी है या ऐसे ही मेहनत की ना, आज इस लड़की ने वाकई ट्रांसफॉर्म किया है। इनके बाद से आज मेहनत की है, और मारिया आपको थोड़ा सा बड़ा भी और होना पड़ेगा या छोटी होगी बच्चों को ना, एक बच्चों के लिए भी स्टार्ट करना चाहिए फैशन शो, जिनमें ऐसे क्यूट बच्चे आ सके। लड़की है जिनको हम लेके आएंगे, उनका नाम है रामीन जुबैर, राइट? सो रामीन जो है वो आ जाइए। रामीन आपके लिए तो उन्होंने पहले यस उठा दिया, सुपर से ऊपर या रामीन को तो सेलेक्ट कर लिया गया है। तो रामीन जो है ये अनारकली की बहन भी है, नाइस। लेकिन वेल डन रामीन, आपकी आइज कैसी थी, आप प्लस पॉइंट है हाइट 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 जबरदस्त हाइट और स्टाइल। सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं प्लीज और वर्किंग करें, इसको और परफेक्ट करें। या अभी आप लोग के पास टाइम है, इसको भी परफेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए वो मेहनत करें, नेक्स्ट शो में अभी तो फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है। पूरी पूरी रात मैसेज ना कर दे रहा प्लीज डोंट गिव अन टेक्स्टिंग क्या बनेगा हमारा, टैलेंट है, एक्साइटेड है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगी, पाकिस्तान शुक्रिया आपने स्किजिया की आवाज पे और कोहिनूर के साथ जो हमने ये शो किया के लिए, बहुत रिस्पांस आए हैं, मैसेज मुझे बहुत आ रहे थे कि मैंने कहा देखो उस नंबर पे कॉल को जो नंबर दिया ऊपर। थैंक यू रामीन, बहुत शुक्रिया। कुछ लास्ट सेट ऑफ बॉयज हमारे पास आए हैं, उनको भी ले आते हैं फटाफट से, कोई है तो खेई तो म्यूजिक स्टार्ट किया जाए, टाइम शॉर्ट है, मुकाबला सब है। आ जाइए बॉयज। मोमिन और हादी के लिए बड़ा यस कहा गया है, और मोमिन के लिए भी यस ही है। सो बोथ बॉयज वेलकम टू द क्लब, थैंक यू सो मच बॉयज, बहुत शुक्रिया। अभी अभी हैं, आ रहे हैं अभी कुछ और, अभी आ रहे हैं जी। लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, हर जगह से लोग आ रहे हैं, एंड ये हमारा फैशन जो हिट हो गया। आइए बॉयज आ जाइए। Thank you.
आप दोनों के लिए तो नो आ चुका है, अभी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, एक्टिंग करो, और चीजें बहुत है करने वाली। शाहजहान एंड तनवीर, शुक्रिया आपकी आमद का, डिप्रेस नहीं होना, अच्छा प्लीज, थैंक यू। हाँ मतलब उनकी आंखों में आंसू भी थे यार, क्या करें, यहाँ पर आज आंसू भी निकल रहे हैं लोगों के, मैं क्या कर सकता हूँ। नाज़रीन मुझे बताया जा रहा है कि तनवीर की आंखों में आंसू थे और मैंने बुलाया है दोबारा और कुछ कहना चाहता था। तनवीर अब आइए प्लीज, तनवीर क्या हो गया आपको, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए पहले ही बताएं, बहुत इंतजार था आपको इस दिन का। हैंडी माइक दीजिए, मैं देखो माइक, आपकी जो आंसू उन्होंने सबको हमारे दिल को मोम कर दिया है, थैंक यू सो मच, आप खुद गए उनके पास, देखा आपने ये जजेस होते हैं प्यार करने वाले। सर आपका जो मैसेज है मुझे 1 बजे मिला है, तो मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ओह माय गॉड, उधर से मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं आ रहा था, रास्ते में बाइक खराब होगी, इधर मैं तकरीबन 7 बजे पहुंचा हूँ, उसको ऐसे ही साथ लेके आया हूँ, बाइक को घसीट के साथ लेके आया हूँ कि मैं पहुंच जाऊँ, तो देख लें आप, नहीं आप परेशान नहीं होना, देखो अगर एक आप भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऐसे होता है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोधा तहसील बलवाल का रहने वाला हूँ और मैं मैंने नाम सिर्फ इसके लिए इधर आया हूँ, तनवीर आपका नाम डाल रहे हैं, आपने भी कहा रिहर्सल, इनको हम रिहर्सल करवाएंगे, आपके आंसुओं ने आपको जिता दिया यार, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, माइक प्यारा है लग रहा है मुझे, एनीवे ब्लू और व्हाइट ये जो आंसू है ये बहुत कीमती थे तनवीर के, और तनवीर जैसे कई लड़के ऐसे होंगे डिस्ट्रिक्ट भलवाल, कैन यू इमेजिन किस कहाँ वो है, कहाँ हम बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने स्किजिया की आवाज़ पे और कोहिनूर का अलायंस के साथ, आपका देखें एक बात कहूँ मैं, ये आपका ट्रस्ट है जो जीता है आज, जी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे और इंशाल्लाह ये ट्रस्ट बहुत अच्छा साबित होगा, कोई भी ना हाँ। हो ये सिर्फ हम लोग आप लोग मौका दे रहे हैं कि आप लोग आए अपना टैलेंट शो करें। हाँ मुझे आप बताएं कि किस चैनल पे, मुझे बताएं आप किस तरह के जेन्युइन शोज हो रहे हैं, सब फेक हो रहे हैं, आपस की बात है, सही बात, सिलेक्टेड लोग होते हैं, पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्ट किए होते हैं, कोई फेवरेटिज्म, लोगों को अपनी फीलिंग्स बताने का कोई मौका ही नहीं मिलता, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने आज से पहले देखा ही नहीं, क्लैपिंग होनी चाहिए जी के लिए, जहाँ पर मुकाबले होते हैं ना वो सब पहले से डिसाइड होता है कि तुमने आना तुमने आना तुमने आना, मैसेजिंग देखता रहा हूं। हाँ आई नो वो मुझे बहुत आ रहे थे। एनीवेज जनाब कुछ लास्ट सेट ऑफ टू बॉयज हैं आमिर एंड शहबाज खान, दोनों आ जाइए जल्दी से आइए, रोना मत। तो ठीक है, लुक्स भी ठीक है, लेकिन मॉडलिंग के लिए अभी आपने ये उठाया हुआ है, इसके लिए ये उठाया आपने, इनके ये उठाया आपने, मुझे इनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी, ओके नाम क्या था इनका, स्टाइलिंग कहां से, शहबाज, और आमिर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, मैंने अक्सर शो पे जा रहा हूँ ना तो ये ऐसा सेटअप मैंने नहीं देखा पहले कभी, ऐसा सेटअप होता है वो नॉर्मल सा जी, चल के दिखाया जी, चला हाँ चल ठीक है, बाद वापस 50,000 लगने भाई आपके, आ जाओ आप, ओ माय गॉड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, शायद मुझे इसलिए सेट नहीं किया, लुक अच्छी नहीं है ना, लुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप येलो कलर कुछ और पहन के आते थोड़ा कॉन्सेप्शन ही ना, देखो ये देखो अब ये लेसन क्या है आपके नाज़रीन, आप ऑडिशन देने जा रहे हैं ना, अपना बेस्ट शॉट देकर जाओ, क्या पता चूज हो जाओ, ये होता है ना, कपड़ों से किसी को जज नहीं करते, प्रिपेयर हो के भी नहीं है, हाँ वही ना, मेरा भी रिसेंटली शूट हुआ है अर्षद जायवाल के साथ, एट होम का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेस जा रहा है इसका, तो अभी रिसेंटली मेरी अभी पोस्टर दिखाता हूँ, मेरी वेब सीरीज अपनी आ रही है कॉलेजियस के नाम से, ठीक है अभी मैं साथ पर्दे के पीछे शो कर रहा हूँ, लेकिन बस मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट होगा था, देख लें आप यहाँ सब कुछ सही हो रहा है, जेन्युइन हो रहा है, ऑल थैंक्स, 100% जेन्युइन है यहाँ सब कुछ, पहले रिक्वेस्ट है छोटी सी चांस मिले नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, दिया दिया दिया, थैंक यू सो मच, माइक आपके हवाले, बहुत शुक्रिया बॉयज, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन ये बखैर खूबी यहाँ पर सब अच्छा हुआ,
एंड वी आर सो हैप्पी कि देखें आपके पाकिस्तान, शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान इस रिस्पॉन्स का, शुक्रिया हम पे एतमाद करने का, शुक्रिया हमसे प्यार करने का। स्किजिया और कोहिनूर का ये जो संगम हुआ है ये आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये प्लान है कि इंशाल्लाह जो शो है ये पूरा हम दिखाएं आपको और कोहिनूर ऑल्सो। सो एनी फाइनल सेइंग क्या कहना चाहते हैं आप, जो देखें आपने अपने सारे महारथी जितने आए यहाँ पर। मुझे तो बहुत खुशी हुई है ना, और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैं यही चाह रहा था कि हम उन्हीं लड़कों को लेके, उन्हीं मॉडल्स को लेके और प्रमोट करें जिनका कोई सहारा नहीं है। डन हो गया, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बेस्ट ऑफ लक ऑल जो सेलेक्ट हुए हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए वो वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ को चांस मिलेगा। जबरदस्त शफक, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और सब जिनमें जिनको हमने कहा है कि मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो बिल्कुल डिस्करेज ना हो, मजीद हार्ड वर्किंग करें इंशाल्लाह ताला उनके लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा पॉइंट। सुपर फलक, मैं जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसा मत सोचो कि हमने कभी ना नहीं सुनी, हम भी इस चीज से गुजरे हैं, तो इससे डिसअपॉइंट नहीं होना बल्कि और एनर्जी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। अभी चांस नहीं मिला, नेक्स्ट तो मिलेगा। बिल्कुल सही है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही होगा जनाब, और मेरा ख्याल है कि अभी हम जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो लास्ट राउंड होगा जिसमें यहाँ पर वॉक करेंगे वो चेहरे जिनको हम अनाउंस कर देंगे कि वो विनर्स हैं। अब वो कौन से हैं वो तो अब आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सस्पेंस की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर एजाज वारिस के साथ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करने दें हमारे एडमिन का, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स का, हमारे एजाज साकिब साहब का, श्वेत का, हमारे कैमरामैन का, मैं कभी अमूमन थैंक्स नहीं करता, हमारे मेकअप आर्टिस्ट का अली का, और जो काशिफ है, ये जो चाय आती है ये काशिफ के गरम गरम हाथ पर चाय लाते हैं, क्या बात है, और सारी टीम इतनी मजे के नीचे, जो आसान होते हैं या जो जुबैर हैं, एवरीबडी आप लोगों के ताबुन के बिना आज का शो पॉसिबल नहीं था, क्या कहते हैं आप, है ना। सो जनाब अब जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो यहाँ पर जश्न का समा क्यों होगा कि यहाँ पर वॉक करते आएंगे वो लोग जो विनर्स हैं और जो अब वॉक करेंगे इंशाल्लाह फैशन शो विच इज बीइंग हेल्ड वेरी सून इन द वेरी बिग लीग, कहाँ होगा सस्पेंस रखते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ चुके हैं और दिस इज द फिनाले राउंड, और दिल की धड़कनें समेट लीजिए, दिल की धड़कनें थाम लीजिए कि अब वक्त आ गया है हमारे लास्ट सेट ऑफ राउंड का, जिसमें अब विनर्स के नाम हमने उनको बता दिया है, विनर्स को डिसीजन जजेस का था, और जजेस ने बड़े एक शानदार तरीके से उनके स्टाइल्स, उनके किस तरह उन्होंने अपने को कैरी किया, लुक्स, बॉडी, ऑब्वियसली सब चीजें पैकेज हो ना, पैकेज पर आपने फैसला किया है, और तो बस फिर म्यूजिक ऑन कीजिए और हम वेलकम करेंगे अपने महारथियों को जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे फैशन शो के लिए। तारकी लम्हाते हैं काफी, तो आइए जनाब देखते हैं वो कौन से चेहरे हैं जो वॉक करेंगे इंशाल्लाह फैशन शो में। आइए जनाब, ऑल सेट। देखा आपने, ये है वो तमाम चेहरे जो कि विन कर चुके हैं, विन एज इन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे फैशन शो के लिए जो कि हो रहा है स्किजिया का। सो एनी फाइनल एडवाइस फॉर देम, कबीर आपसे स्टार्ट करेंगे। एनी फाइनल एडवाइस यही है सबके लिए कि सबने मेहनत करनी है, अभी मिशन कंप्लीट नहीं है। हाँ बिल्कुल, शो में टाइम में आप लोग मजीद मेहनत करें, आप लोग मेहनत करोगे आप लोग अच्छे लगोगे इंशाल्लाह। तो क्या राय है आपकी इस तमाम कॉम्बिनेशन में तुमने किया है? आई थिंक इस तरह के इवेंट होने चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, सब अच्छे हैं, ऑल गुड।
थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे आप? सब अच्छे हैं, सबने अपना सबने अच्छा बेस्ट दिया, सबने जिसका जो बेस्ट था उसने वो दिया, लेकिन जिसमें मजीद मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो मजीद इम्प्रूव करे, और ऑल गुड मुझे लगता है सबके लिए क्लैपिंग है, सबने बहुत अच्छा, कोई डिसार्ड ना हो, डिसअपॉइंट ना हो कोई। जबरदस्त हो गया जी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ये सब सोच लें, और पहले से ज़्यादा तैयारी है, और ये नहीं है कि आप में से कोई बेस्ट नहीं है, अपने आप में सब बेस्ट है, अल्लाह ताला ने सबको ही बेस्ट बनाया है, सिर्फ कोशिश करनी है और ख़ुद को दिखाना है कि मैं हूँ बेस्ट, दैट्स इट, डन हो गया। जबरदस्त, क्या बात है। सो आप बताइए नियाजी साहब, क्या कमेंट्स हैं आपके फाइनल? ओवरऑल सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई ना कि मेरे ख्याल पंजाब के हर उस डिस्ट्रिक्ट में देख लें आप, और कुछ मिडिल क्लास भी हैं, अपर क्लास भी हैं, और कुछ मेरी जैसी भी आ गए जिनको कुछ भी नहीं पता लेकिन बहुत मजा आया सीरियसली, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसी थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन अपने जजेस का थैंक यू अदा करूंगा, या मैं आ रहा था सीरियसली, मैं बहुत खुश हूं, और मुझे इन इन इनके सामने बैठ के ना मुझे ना पर्सनली कंफर्ट फील कर रहा हूं, है ना। थैंक यू सो मच, हमने बुलाया है बिल्कुल सबको, कोई है ही महारथी जजेस बहुत शुक्रिया कबीर गिल के जी, बहुत शुक्रिया शफक, आप आई और आप छा गई, अभी हमें और भी शो करना है आपके साथ, जरूर बकायदा इंटरव्यू जो करेंगे इंशाल्लाह, एंड थैंक यू वो आई छाई एफबी फलक, बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू आपका तो बहुत शुक्रिया। जनाब ये रहा आज का शो, देखा आपने ये चेहरे बहुत हमने चूज किए हैं अपने फैशन शो के लिए जो उसकी जगह हो रहा है अगले हफ्ते इंशाल्लाह, जो करता है अल्लाह करता है अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जो लोग नहीं विन कर सके, विन एज इन नहीं आगे बढ़ सके, प्लीज डिसहार्ट मत हुआ करें, ये आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, मैं क्या करूं, और प्लीज कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जाते हैं फॉर ऑडिशन तो अपना बेस्ट शॉट लेके जाया करें उसमें, कि आपने आज बेहतरीन दूल्हा दुल्हन बन के जाना है, वहाँ पे बेस्ट शॉट देना होता है, ऐसे उठ के नहीं आ जाना बस फटाफट रैंडमली, ऐसे कुछ सेक्शन नहीं होगी आपके, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, होपफुली आपने आपका शो एंजॉय किया होगा, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, टेक केयर, गुड मॉर्निंग कोहिनूर साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।